हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मोदी जी जो हैं वो गए हुए हैं कश्मीर, और अभी हम देखेंगे विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर, स्क्रिप्टिंग न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस। ओहो हो हो हो, अभी हमने एक वीडियो की है जिसमें वहाँ के कश्मीरी ही इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं भैया बार बार मोदी सरकार। सोच सकते हो, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे ही देश में दूसरे पार्ट्स में बैठे हुए मोदी जी के अच्छे काम को नहीं देख पा रहे। हाँ, और यहाँ कश्मीर में बैठे हुए लोगों को कुछ टाइम में ही दिख रहा है वहां पे इंप्रूवमेंट्स, और वो कह रहे हैं बार बार मोदी सरकार। तो भैया जो मोदी जी के अगेंस्ट बैठे हो ना, अभी भी अपनी आंखें खोल लो। अगर देश से प्यार करते हो तो मोदी जी के साथ आ जाओ, क्योंकि मोदी जी जैसा पीएम आपको नहीं मिलेगा आज के टाइम में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर। अब दिखा दिया का सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। वाह, प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प एवं नारी, युवा, किसान और गरीब आदि सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता ऐसे निकालते हैं उसमें से। सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, जहां एक ओर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आयुष्मान सेहत योजना के अंतर्गत गोल्ड कार्ड है, यही गोल्ड पूछने वाले का लाभ मिल रहा है 5 लाख। दूसरी ओर 16 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है और लगभग 9 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर। अरे वाह, ये कितना सुंदर है, ये स्वर्णिम युग का आगाज हुआ है। अरे वाह, ये मेरा तो बड़ी प्यारा लगा। 1370 को हटाकर नामुमकिन समझे जाने वाले इस काम को बाइक के लिए बनाया है वो। यहाँ की आवाम को वो सब हक-हुकूक मिल गए हैं जो कि देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज होलिस्टिक कृषि विकास योजना के लोकार्पण के साथ जम्मू कश्मीर के कृषि परिवेश में एक नए युग का आगाज हुआ है। किसानों के हितों के प्रति समर्पित भारत सरकार की नीतियों को अपनाते हुए आज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार समग्र कृषि विकास योजना पूरे देश में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फैली 29 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री पालन, सेरिकल्चर, मशरूम फार्मिंग इत्यादि शामिल हैं। फार्मिंग कृषि विकास कार्यक्रम के तहत आगामी 5 वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों की आजीविका में सुधार, लगभग 3 लाख रोजगार के नए अवसर, 19,000 कृषि उद्यमों के नेटवर्क की स्थापना और कृषि संबंधित क्षेत्रों में 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए किसान साथी पोर्टल डिजाइन किया गया है, जो एक वन स्टॉप समाधान है। दक्ष किसान किसानों के लिए एक अनूठी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें हजारों कोर्स और वीडियो हैं जो किसानों को कृषि से जुड़े आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं। किसान संपर्क अभियान के पहले मरहले में ही 4,000 पंचायतों और 5 लाख से अधिक किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। साथ ही किसान खिदमत घर का भी प्रावधान है, जिसके जरिए किसानों को एक ही छत के नीचे विशेष सलाह, मौसम सूचनाओं और कृषि संबंधित जरूरत तक हर सुविधा उपलब्ध की गई है। अमन और शांति के वातावरण में 2023 में G20 पर्यटन कार्य समिति के सफल आयोजन ने जम्मू कश्मीर को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया है। साथ ही यहां पर 1 दशक में सबसे अधिक टूरिस्ट विजिट दर्ज किए गए हैं। आज प्रसाद योजना के तहत हजरत बल दरगाह के एकीकृत विकास कार्य के लोकार्पण के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादी कश्मीर को किसी भी विदेशी पर्यटन स्थल के समकक्ष खड़ा कर दिया है।
जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में अभूतपूर्व रफ्तार से कार्य हुआ है और लगभग 60,000 करोड़ की लागत से हाईवे, सड़क और पुल निर्माण की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ लगभग 15,00,000 ग्रामीण परिवारों के घरों में जल पहुंचाया गया है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिली है और लगभग 5,00,000 युवाओं को रोजगार मिला है। भारत सरकार के 28,400 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से औद्योगिक विकास को बल मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन के एरिया जम्मू और श्रीनगर में लगभग 4,500 करोड़ की लागत से 200 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया है। समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3,50,000 करोड़ मंजूरी दी गई है और लाडली बेटी योजना में लगभग 785 करोड़ का आवंटन किया गया है। आज जम्मू और कश्मीर में लगभग 47,000 लखपति दीदियां हैं जो महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में लगभग 35,000 व्यक्तियों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर में आज देश में सबसे अधिक 1,120 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। 25,000 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए परचम लहराया है। गुलमर्ग में लगातार 4th राष्ट्रीय विंटर गेम्स के आयोजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर देश का स्पोर्ट्स कैपिटल बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जम्मू कश्मीर आज एक नई सोच और नई रफ्तार के साथ नित नए आयाम हासिल कर रहा है। बोलो भाई, हो रही है बदलाव, आ रहे हैं, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर बन रहा है। देख लो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं मोदी जी पूरे देश को तो करने के लिए विकसित, प्लस जम्मू कश्मीर में देखो कितनी इन्वेस्टमेंट की है। वहां पे एक चीज में तो लिखा था 60,000 करोड़ खर्च हो रहा है। और मैं बार बार इसी को स्ट्रेस करती हूँ, पहले ये सब पैसा कहाँ जाता था? जो पहले की गवर्नमेंट थी वो अपने जेबों में डालती थी, करप्शन कर करके खा रही थी, अब ठीक जगह पे। और जितने भी उमर अब्दुल्ला वगैरह बता रहे हैं और जो लेडी है वहाँ पे जितने भी हैं वो सबके सब जो हैं अपने पास रखते थे पैसा, उन्होंने कंट्रोल की हुई थी लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, सारी फार्मिंग फूर्मिंग, जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, क्या क्या उनके कंट्रोल में नहीं था, वो सब जो है खत्म हो रहा है। वो तभी तो रो रहे हैं, तभी तो उनको दिख रहा, उनको ये लग, वो कोशिश करे कि किसी तरह से हम वापस वो ला पाए अपने पास पावर। तो उसले उनकी अभी हमने वीडियो में देखा था क्या बोल रहे थे कि मोदी जी तो जबरदस्ती लोगों को घुसा घुसा के ला रहे हैं। ऐसे वो जो पुराने पॉलिटिशियंस थे सारा तो पैसा खा जाते थे और जनता गरीब की गरीब रहती थी। वो तो है, वो खा रहे थे और वो बल्कि उस इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे वो पत्थरबाजी और उस टाइप सी चीजों को प्रमोट करने में, ताकि उनका राज चलता रहे, उनका पावर, उनकी पावर रहे और लोगों को पढ़ाई लिखाई ना कराए, ताकि ये बच्चे जो हैं ये इसी टाइप के काम करते रहे और हम जो है अमीर बनते जाएं। अब मोदी जी देख लो, उन्होंने कहा कि बदलाव, विकसित विकसित जम्मू कश्मीर करके छोड़ेंगे। वो विकसित दिल्ली कब करेंगे पता नहीं, पता नहीं। वो तो भैया बताओ, हमारा तो सपना सपना ही रह रहा है, जाएगा अभी तक तो वही लग रहा है, पर बहुत चेंजेस, कई उसमें क्लिपिंग्स ऐसी थी जिसको देख के मुंह से वाव निकल रहा था, इतना सुंदर बन रहा है। स्विट्जरलैंड बन गया तो लोग बोलेंगे ये इंडिया का स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्विट्जरलैंड जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो जो वहां पे इतनी मूवियां, वो कौन सी थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाए, वो बड़ा वो बोलते हैं स्विट्जरलैंड में, उस पे खास एक फोटो उनकी वो लगाकर कि भैया यहाँ पे वो बनी है, तो वो बोलेंगे कि वह सारी बॉलीवुड की मूवीज जहाँ पे आपको चाहिए स्नो वनो चाहिए या उस टाइप का रोमांटिक एरियाज चाहिए, ये राज्य जम्मू कश्मीर यहाँ पे बनाओ, अब देखते जाओ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।